मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का तमंगा दिलाने वाली T-15 बाघिन, जिसे कॉलर वाली के नाम से भी जाना जाता था, अब वह कभी नहीं दिखाई देगी। बल्कि अब पेंच टाइगर रिजर्व की रानी कॉलर वाली के शावकों की दहाड़ से मध्य प्रदेश का जंगल हमेशा गुंजायमान रहेगा। मध्य प्रदेश को मिली टाइगर स्टेट की गौरवशाली पहचान पर कोई भी चर्चा सुपर मॉम के बिना पूरी नहीं हो सकेगी। पेंच टाइगर रिजर्व में ये माताराम या कॉलर वाली के नाम से भी जानी जाती थी। यह कई बार बाघिन अपने शावक के साथ अटकेलियां करती नजर आती थी। कभी पानी पीते तो कभी शावकों को दुलार करते। एक ऐसी सुपर मॉम जिसने 8 बार शावकों को जन्म देकर मां की ममता को नया आयाम दिया। ऐसी बाघिन जिसने 29 शावकों को जन्म देकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इतिहास गवाह है, इस सुपर मॉम ने तेज बाघ अभ्यारण्य को आबाद किया था। जब मध्य प्रदेश की जमीन से बेहद ज्यादा शिकार की वजह से बाघ लुप्त हो गए थे, तेज टाइगर रिजर्व और बाघ परियोजना से जुड़ा हर शख्स टाइगर प्रोजेक्ट के तहत T-15 के नाम से इस बाघिन से वाकिफ हो जाता है। पार्क में आने वाले पर्यटक बेखौफ घूमती इस बाघिन को देखकर रोमांचित हो जाते थे। पेंच टाइगर रिजर्व की यह बाघिन और बड़ी माता की यह बेटी जाहिर तौर पर इस पेंच टाइगर रिजर्व की शान थी। इस बाघिन ने न केवल पेंच टाइगर रिजर्व बल्कि एक समय बाघ विहीन हो चुके पन्ना टाइगर रिजर्व को भी आबाद करने में अपनी अहम भूमिका अदा की थी। कॉलर वाली बाघिन का नाम वाइल्ड लाइफ हिस्ट्री से न मिटाया जाने वाला एक इतिहास है। पेंच नेशनल पार्क में कई सालों तक इस सुपर मॉम का राज कायम था। इस टाइगर रिजर्व में भ्रमण पर आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को हमेशा अपनी ओर रिझाया है। यह जंगल में न सिर्फ शान से घूमती थी बल्कि पार्क में आने वाले ज्यादातर पर्यटकों को दिखाई भी देती थी। भले ही यह सुपर मॉम अब इस जंगल में न दिखे, लेकिन जंगल में हर कहीं मौजूद उसके निशान उसके होने की गवाही देंगे। अब पर्यटकों को कभी इस बाघिन को देखना नसीब नहीं होगा। बाघिन को देखने का पर्यटकों का इंतजार कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब ये सुपर मॉम नहीं रही। वृद्धा अवस्था और बीमारी के चलते इस सुपर मॉम ने अपनी अंतिम सांस ली। पिछले कुछ हफ्तों से कॉलर वाली की सेहत को लेकर पार्क के कर्मचारी और बाघ प्रेमी चिंतित थे। सुपर मॉम को बड़े ही सम्मान और भीगी पलकों के साथ आखिरी विदाई दी गई। पेंच टाइगर रिजर्व की इस बाघिन ने जंगल में अपनी जिंदगी जिस रॉयल अंदाज में गुजारी, उसी तरह उसे पूरे सम्मान के साथ रॉयल विदाई दी गई। साल 2008 में बाघिन के गले में रेडियो कॉलर पहनाया गया था, इसी वजह से इसका नाम कॉलर वाली बाघिन पड़ गया। टाइगर रिजर्व के टूरिस्ट एरिया में इसकी टेरिटरी होने के चलते इसे पेंच की रानी के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन अब ये कॉलर वाली हमारे बीच नहीं रही। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉलर वाली कितनी खास थी, बल्कि पेंच टाइगर रिजर्व का अभिमान भी थी। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा फोटोग्राफी किसी की हुई है तो वह कॉलर वाली ही है। 6 करोड़ से ज्यादा फोटो अकेले कॉलर वाली के क्लिक किए गए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यहां आने वाले सैलानियों को इस बाघिन ने कभी निराश नहीं किया। इस बाघिन ने लगातार 8 बार शावकों को जन्म दिया, जो अब तक कोई बाघिन न कर सकी। 29 शावकों को जन्म देकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इस बाघिन का जन्म 2005 में हुआ था और जनवरी 2022 में इस सुपर मॉम ने अपनी अंतिम सांस पेंच टाइगर रिजर्व पार्क में ली। यह कॉलर वाली बाघिन यानी कि सुपर मॉम हमेशा हमारे जहन में जिंदा रहेगी। आपको क्या लगता है इस सुपर मॉम के बारे में, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। ऐसी सुपर मॉम को रहस्य और नेचर परिवार इस वीडियो के माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।